बबलू भाई, बबलू भाई, बबलू भाई, अरे चलो एक मिनट मंदा प्रकाश कपूर, मैं चाहो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र राव साहब सुफियान सुलेमान रमन को सर्टिफिकेट देंगे। वाइस चेयरमैन दोस्तों नगर सर, आपका आदेश था टीम अध्यक्ष बनाया जाए प्रभात का, तो सर सैयद साजिद मीरान को बनाया जा रहा है अध्यक्ष प्रभात का 37। सैयद साजिद मीरान, हाँ अरे भाई आगे बढ़ो, पीछे करो। अच्छा सानू भाई ने कहा कि पूरा बोलो, उनका प्यारे नाम बबलू सैयद अध्यक्ष प्रभार नंबर 37 आगे। हाँ बस सर ड्यूटी बंद हो बहुत, सर्टिफिकेट बबलू भाई आ जाओ ना, सर्टिफिकेट तो दे दी बहुत हाथ लगाइए ना बबलू भाई के लिए, बहुत तालियां एक साथ तालियां। समीर मोहम्मद इलियास खान को अध्यक्ष प्रभात क्रमांक 38। समीर मोहम्मद इलियास खान, बॉस समीर मोहम्मद इलियास खान प्रभात क्रमांक 38। तालियां वाले समीर के लिए दोस्तों, तालियां तालियां कमजोर है आपकी। इसके बाद मंदा ज्यादा न बोलते हुए मैं अपने लाट के आमदार डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब, जिला निर्माण मंत्री महाराष्ट्र प्रदेश, रावत साहब ये सबसे पुराना एरिया आपका है, रावत साहब सबसे ज्यादा पुराना एरिया आपका ये है, क्योंकि जब हमने पहला चुनाव लड़ा था तो सबसे बड़ी लड़ाई यहीं से शुरू हुई। आज यहाँ पर आप बहुत दिनों के बाद आए, मेरे ख्याल से रेलवे पटरी के ऊपर झोपड़ा हटाने के उसमें आए थे, उसके बाद अभी पहली मात्र। तो हम लोग ज्यादा ना बोलते हुए मेरी तरफ से गुजारिश है कि आप थोड़ा समय दें और लोगों को मुमरा गोसा के जो नए डेवलपमेंट आने वाले हैं उसको बताएं, यही विनती मैं आपसे करता हूं। खुदा आपसे शुक्रिया डॉक्टर जी से। जवाब हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खाना बांटने में लगे थे, मैं खुद आता था, खाना मटक खाने का बंटवारा देखता था, हर घर हर घर के घर में वो खाना पहुंचता है कि नहीं, वो भी हमने देखा था। पहले तीसरी बनती थी और बाहर जाती थी, हर वर्ड में ये बना था, और यही करते करते मैं कोरोना का शिकार हो गया। ये तो ऊपर वाला का शुक्र है कि मैं आज आपके बीच में, वरना डॉक्टर ने तो मेरी बीवी को बोल दिया था कि अब बचाने वाला सिर्फ ऊपर वाला है, हम दवाई देंगे लेकिन बचेंगे तो ऊपर वाले के हाथ से ही बचेंगे। पर वो जो खाना मैंने दिया था गरीबों के घर में, जब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, वो दुआएं जो मुझे मिली थी
वो काम कर गई और ऊपर वाले ने मुझे ऊपर से नीचे भेज दिया। ये गरीब की दुआएं बहुत काम आती है। हम राजनीति में इसीलिए आते हैं कि गरीब के आंसू पोंछ सके। राजनीति में आके सिर्फ दादागिरी करना, झोपड़े बना के बेचना, गरीब को सताना, ये काम नहीं है। तुम जब राजनीति में आते हो तो इस शहर के आखिरी आदमी को, जहां धर्म सब बाजू में रख के, उस आखिरी आदमी को मदद करने की आपकी जब ताकत है, इसीलिए आपको राजनीति में खुदा ऊपर ले जाता है कि आदमी गरीबों को मदद करता है, इसको मदद करनी चाहिए। जब आपके यहां से एक कॉल आया, मैं बंबई में था, मुझे पहला कॉल शिवा ने किया था, क्या ऐसी ऐसी नोटिस आई है आपको, वो रेलवे की संतोष नगर में, बराबर है ना, संतोष नगर के लोग कहां हैं, तुमको पहली नोटिस आई। और जिस दिन नोटिस आई उसके 3 घंटे में रात को 9:30 बजे मैं वहां पहुंच गया, बराबर है। और तभी से लेकर कल तक जब मेरे सामने रेलवे के भारत के मिनिस्टर बैठे थे, तभी भी मैंने उनको कहा, उनका नाम वैष्णव है, कि वैष्णव जी मैं गृह निर्माण मंत्री हूं, मेरी झोपड़पट्टी वासियों के लिए योजनाएं हैं, उस योजनाओं का लाभ इन झोपड़पट्टी वासियों को देना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ संतोष नगर की बात नहीं है, वीटी से लेके कल्याण के आगे तक, टिटवाला उल्लास नगर तक, ऐसी कई झोपड़पट्टियां हैं जो रेलवे को लग के हैं। मैं बोला उनको निकालने के लिए आपको गोलियां चलानी पड़ेगी, और वो गोलियां झेलने के लिए पहले हम खड़े रहेंगे, हम आपको एक भी झोपड़ी तोड़ने नहीं देंगे। आपके पास बहुत जमीन है, रेलवे के पास करोड़ों एकड़ करोड़ों रुपये की जमीन है, कुछ जमीन इन झुग्गी झोपड़ी वालों को दे दो, इनका भला करो, इनको घर दे दो, और बाद में तुमको जो करना है करो। ये कहने के बाद आज तो उन्होंने स्टे दे दिया है कि उसको रुकाएंगे। मैंने उनसे अपॉइंटमेंट मांगी है कि मैं खुद आपके पास हमारी योजनाएं, हमारे अधिकारी लेके आता हूं और आपको योजना समझाता हूं, ताकि हर आदमी को सुरक्षित घर जो उसका अधिकार है वो मिलेगा और वो जल्दी मिट्टी हो जाएगी। मुझे वो 2009 की याद आती है, जब भाई साहब मुझे इस इलाके में लेके घूमे थे, मुझे याद भी है, इस बिल्डिंग में के कोई घर की याद आती है, गफ्फार भाई, तो चुनाव के बीच में यहाँ आके वो एक बहुत ही खूबसूरत चिकन बनाते थे, मुर्गा, वो मुर्गा खाके में फिर चुनाव के प्रचार को निकलता था। आज एक आदमी दिख नहीं रहा है, मरहूम मेमन साहब, आदम भाई मच्छी वाले, एक अपना बड़ा कट्टर समर्थक था। ये कोरोना के काल में बहुत लोग अल्लाह से प्यारे हो गए, आदम भाई, अशरफ भाई, जिकर भाई, वो मेरा दोस्त था एक मच्छी वाला, क्या जुबेर भाई मच्छी वाला, उसको हर तरीके की दवाई मैंने दिलवाई, लेकिन बहुत बहुत कोशिश की, उसके भाई ने दिन रात बेचारा फोन करता रहा, ये दवाई भेजो, वो दवाई भेजो, हमने सब कोशिश की, लेकिन ऊपर वाले के दिल में क्या है किसको मालूम, हमारी दवाई काम नहीं कर सकी, और एक अच्छा दोस्त हम गवा गए। पर हर घर से कोई ना कोई इस महामारी में मारा गया। खुदा ने एक बार फिर से दिखा दिया कि मेरे से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है, दवाई नहीं है। ये तो अब
जब उसकी ताकत फिर से लोगों के ध्यान में आई है तो अब थोड़ा असर कम होने लगा। नहीं तो इंसान अपने आप को बड़ा सोचने लगा था, हर चीज की दवाई है, हर चीज की दवाई है। भेज दिया ऊपर वाले ने एक ऐसा किया कि जिसकी दवाई किसी भी इंसान के हाथ में नहीं थी। मैं जब हॉस्पिटल में गया, मैं जब घर से निकला, हॉस्पिटल जाने तक मैं होश खो बैठा था। खुदा कसम कहता हूं कि वो दिन और हॉस्पिटल में जब मैंने आंख खोली वो दिन, उस दिन तक क्या हुआ उन 14 दिनों में, आज भी मेरे दिमाग में नहीं, मुझे याद ही नहीं आता है क्या हुआ। लोग कहते हैं कि तू कुर्सी पे बैठा था, चल रहा था और अचानक तूने बोला नहीं नहीं कुर्सी मंगाओ, और जुपिटर में हुआ, फिर बहुत सारा खेल हुआ, फिर मैं फोर्टिस में गया और तभी से उन डॉक्टर की कमाल चीज करवाले की और आपकी दुआएं, और मैं बच के फिर से आपके यहाँ आपकी सेवा करने के लिए। दो तीन मुद्दे पे ही बोलना है। एक जमाने में इस इलाके में बहुत पानी की किल्लत हुआ करती थी, खास करके ये प्रकाश कॉम्प्लेक्स, संतोष नगर और प्रकाश कॉम्प्लेक्स में बहुत किल्लत हुआ करती थी, शाहू नगर में भी हुआ करती थी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि पानी की किल्लत जितनी हुआ करती थी उतनी नहीं है। बराबर बोल रहा हूं, बराबर है पानी ये तो कि ना है, ये तो ठीक है, थैंक यू। पाण्याचा एक गहन प्रश्न होता, मोठा प्रश्न होता, वो हमने छुड़ा दिया। हमने 2009 में जो पहले रस्ते की थे, पहले किया था दाभोलकर का रस्ता, यही पहले ध्यान ही हमने बॉम्बे कॉलोनी में दिया था, तो दाभोलकर का रास्ता और ये रास्ता बनाया गया था। उस वक्त हमको ज्यादा जानकारी नहीं थी कि सीमेंट कैसा आना चाहिए, कौन कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, सीमेंट का क्या मटेरियल कौन सा, कहीं कुछ मालूम नहीं था, बस रास्ता छोड़ दिया कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। उस कॉन्ट्रैक्टर ने काम बराबर नहीं किया। अब 13-14 साल हो गए हैं, अब फिर सभी चीजों को बदलने की आवश्यकता है। आने वाले 6-8 महीने में ये पूरा रास्ता दाभोलकर से लेके ऊपर तक पूरा नया बनाया जाएगा, फिर से एक बार इसको नया किया जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा था चलते आते आते बहुत सारी जगहों पे पत्थर निकल चुके हैं, यानी ऊपर का सीमेंट गायब हो चुका है। तो जो और गलियों में आपको साफ सुथरी गली मिलती है, वैसी गली इधर नहीं है, वो बनाने के लिए पैसे लाने पड़ेंगे। आपको मैं यकीन दिलाता हूं और मैं जो भी कहता हूं कह के दिखाया, करके दिखाया, जो बोला करके दिखाया, जो बोला नहीं वो मैं करता ही। तुम्हारा संतोष नगर का रास्ता ठीक है, अभी ज्यादा उधर कुछ काम नहीं है, लेकिन ये जो मेन रोड है दाभोलकर से लेके ऐसा जाता है वो पूरा नया बनाया जाएगा, खर्चे की कोई चिंता नहीं है, हम करेंगे। वो लाइट की किल्लत खत्म हो गई है, 24 घंटे लाइट है घर पे, और मेरे ख्याल से गटर वाटर मीटर ये जो नगर सेवकों के 3 काम है वो सारे काम खत्म है। पीछे का रास्ता जो स्टेशन पे निकलता है संतोष नगर शाहू नगर से, वो भी गली अच्छी बन गई है, ना जो पीछे से शाहू नगर से, वो भी कॉन्क्रीट हो गया, बन गया। आपके समझ में अगर कोई रास्ता आता है कि जिसका काम नहीं हुआ है, गली का काम नहीं हुआ है, तो आप अभी ये ऑफिस खुल गई है, यहां पे सिर्फ आपका एक खत भेज दीजिए, अपने आप तुम्हारा रास्ता बन जाएगा। आने वाले 3 दिनों में आपका अगर रास्ता नहीं बनाया है, गली नहीं, रास्ता नहीं बोल रहा हूं मैं, आपके घर के सामने की गली अगर नहीं बनी है,
तो इधर आके लिखवा के दे दो, इंशाल्लाह मेरे हाथ में रहा तो 15 दिन में आपकी गली बना के दे डालूंगा।